लोकसभा चुनाव 2024 में बड़ी जीत हासिल करने के बाद महाविकास आघाड़ी आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस चुकी है। महाविकास आघाड़ी दावा कर रही है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के सीट आवंटन पर हमारे बीच कोई मतभेद नहीं। खबर है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार ने नागपुर और विदर्भ में आगामी विधानसभा के लिए अधिक सीटों की मांग की है। लोकसभा चुनाव 2024 में बड़ी जीत हासिल करने के बाद महाविकास आघाड़ी आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस चुकी है। महाविकास आघाड़ी दावा कर रही है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के सीट आवंटन पर हमारे बीच कोई मतभेद नहीं। खबर है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार ने नागपुर और विदर्भ में आगामी विधानसभा के लिए अधिक सीटों की मांग की है। लोकसभा चुनाव 2024 में बड़ी जीत हासिल करने के बाद महाविकास आघाड़ी आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस चुकी है। महाविकास आघाड़ी दावा कर रही है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के सीट आवंटन पर हमारे बीच कोई मतभेद नहीं। खबर है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार ने नागपुर और विदर्भ में आगामी विधानसभा के लिए अधिक सीटों की मांग की है।